हेलो एवरीवन, आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। तो आज मैं कर रही हूँ अपने किचन का डीप क्लीनिंग। सो ये मेरा बर्तन वाला जो स्टील का रैंक है, इसको मैंने क्लीन किया और किचन का पूरा सफाई होता है नवरात्रि के दिन में। हमारे यहाँ पे लास्ट के जो 3 दिन होते हैं वहाँ पे स्पेशल पूजा होती है। तो अभी डिसाइड नहीं है कि हम लोग गाँव जाने वाले हैं कि यहाँ पूजा करने वाले हैं, पर सफाई तो होती है। तो सफाई हमारे यहाँ पूरे कपड़े बर्तन जितना पूरा घर क्लीन होता है अच्छे से, तो बस मैं उसी में लगी हुई हूँ। तो क्लीनिंग मेरा हो गया, पूरा दिन मुझे लग गया था। और इसके बाद अभी शाम का जो है मैं खाना बना रही हूँ। तो थक भी काफ़ी गए थे, तो मैंने कहा चलो फटाफट कुछ ईजी सा बना दूँ। तो मैंने आज बनाने वाली हूँ मैं आलू गोभी की जो सब्ज़ी होती है सूखी वो वाली। तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, जल्दी भी बन जाती है। और काफ़ी टाइम से मेरी वीडियो नहीं आ रही, बीच बीच में ऐसे हो रहा है कि वीडियो आ रहे फिर नहीं आ रहे हैं। और मैं कोशिश करूँगी कि अब मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करूँ। कुछ रिक्वेस्टेड वीडियो भी हैं, उनको भी मैं अपलोड करने की पूरी कोशिश, मतलब शूट करके अपलोड करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो अभी मैंने यहाँ पर प्याज डाल दिया है, प्याज अच्छे से फ्राई हो जाएगा उसके बाद। तो मुझे बहुत बार एक कमेंट आया है कि आप तो अपना जो रूटीन है डे टू नाइट पूरा शेयर कीजिए। तो वह मैं बहुत जल्दी बनाने वाली हूँ। और अभी कुछ रीज़न भी वगैरह बीच में है कि मेरी रानी को बेटा हुआ है, तो वो उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो हॉस्पिटल में उसको 10-12 दिन रखा, तो उसी के चक्कर में हो गया। फिर उसके बाद कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा था कि मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रही थी। और ये वीडियो भी मैंने नवरात्र जब स्टार्ट होता ही शूट किया था, लेकिन डालते लेट हो गया है। यहाँ पे मैंने पहले प्याज फ्राई किया, उसके बाद मैंने टमाटर डाल दिए। और अभी जो सूखे मसाले जो डेली में हम यूज़ करते वही हैं, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। और नमक लेना है स्वाद अनुसार, इसको अच्छे से भून लेंगे। और यहाँ पर थोड़ा सा मैं पानी ऐड करूँगी। तो मसाला जो बनके रेडी हो गया है, इस टाइम पे मैंने यहाँ पे इसमें नमक डाला है, नमक लिया है मैंने यहाँ पे स्वाद अनुसार। और मसाला बहुत ही अच्छा बना है। और अभी मैंने आलू गोभी को काट के धो लिया था, तो उनको भी मैंने ऐड कर दिया है। ये बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनी थी, बच्चों को पसंद है। और जो लाल मिर्च है वो आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग ले सकते हो। हमारे घर में सब तीखा खाना पसंद करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 छोटी चम्मच लिया था। और इसको थोड़ी देर ढक देंगे 5-7 मिनट के लिए, फिर मैं इसमें लास्ट में थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। इसको आप सूखी भी बना सकते हो और यहाँ पे आप पानी भी इसमें ऐड कर सकते हो, तरी वाली भी बना सकते हो। तो बस उसको 5 मिनट के लिए थोड़ी देर ढक दूंगी और तक मैं आटा वाटा लगा के रेडी कर लेती हूँ। तो इसको 5 मिनट हो गए थे, ये थोड़ी सी पकने लगी नीचे, इस टाइम पे इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है। आलू तो पक गए थे, लेकिन गोभी को पकने में टाइम लगता है, इसमें उसमें पानी ऐड किया है। तो बस 5 मिनट के लिए और इसको ढक के रख देंगे। तो सब्जी मेरी बन गई थी। और अभी मैं बनानी हूँ रोटियाँ। तो अगर गांव गए हैं तो मैं आपको प्रॉपर वीडियो वहाँ पे पूजा का सबका बना के आपका अपलोड करूँगी। अभी तय नहीं है कि हम लोग गांव जाने वाले हैं। और आप लोग ज़रूर देखें कि हम लोग कैसे पूजा करते हैं और हमारी पूजा कैसे होती है। स्पेशली जो लास्ट नवमी वाले दिन होती है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल पूजा है हम लोगों के लिए। बच्चों के जो है कोचिंग स्टार्ट हो गए हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही है, उसी ऑनलाइन क्लासेस के चक्कर में वीडियो शूट नहीं हो पाते। दूसरा अभी कोचिंग स्टार्ट हो गई है, इसलिए हमारा गांव जाना होता है नहीं होता है वो मैं आपको अभी, अगर जाएंगे तो हम लोग वीडियो पक्का बनाएंगे।
और वीडियो पसंद आता है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। पिछली वीडियो जो मैंने गांव वाली डाली थी वो सबको बहुत पसंद आई।